नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पन्ना रत्न के विषय में। पन्ना रत्न किस राशि एवं किस लगन वाले जातकों का राजयोग बनाता है, किस वर्ग के लोगों को पन्ना पहनना चाहिए। दोस्तों, पन्ना बुध का प्रिय रत्न है और ऐसा माना जाता है कि शुद्ध पन्ने में सरस्वती का वास होता है। जो लोग दिमाग के बीमार हैं, जिनको भूल पड़ती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, पन्ना रत्न उनको संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। तो पन्ना रत्न के बारे में सभी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पन्ना बुध ग्रह का रत्न है और बुध ग्रह का सीधा संबंध व्यापार से होता है। तो यदि आप व्यापारी हैं, आप किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, तो पन्ना रत्न आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। आप अपनी हस्तरेखा और जन्म पत्रिका दिखाकर ज्योतिषी की सलाह से पन्ना अवश्य धारण करें। दिमाग के रोगियों को मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की समस्या है, बात बात में गुस्सा आता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो आपको पन्ना अवश्य पहनना चाहिए। पूरी दुनिया भर में जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्ति अपने जीवन में चाहते हैं, वह लोग पन्ना बहुत ज़रूर पहनते हैं। पन्ना उनके लिए एक तरह से औषधि का काम करता है। दोस्तों, जिन लोगों का व्यवसाय शिक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे शिक्षा से संबंधित आपका व्यापार है, कापी किताब की आपकी दुकान है, या आप अध्यापक हैं, आप किसी भी दृष्टिकोण से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, पन्ना रत्न पहनने से व्यक्ति की बुद्धि के अंदर शुद्धता और निर्मलता आती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, याददाश्त की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शुद्ध पन्ने के अंदर देवी सरस्वती का वास माना जाता है। बात करते हैं कि किन लगन एवं राशि वाले जातकों को पन्ना लाभ करता है। वैसे तो जो बातें मैंने आपको बताई, इस वर्ग से जुड़े हुए लोग किसी भी लगन के हों, किसी भी राशि के हों, ज्योतिषी की सलाह से पन्ना पहन सकते हैं। लेकिन फिर भी चार राशियां ऐसी हैं जिनका पन्ना राजयोग बनाता है। नंबर एक, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों से बुध प्रथम भाव लगन के और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। पन्ना पहनने से आपका भूमि, भवन और वाहन, इन तीन चीज़ों का योग बनेगा। भूमि संबंधित मामलों में समस्या है तो वह दूर होगी, मुकदमेबाजी में आपकी जीत होगी। साथ ही साथ में पन्ना पहनने से आप मकान बनाना चाह रहे हैं, लंबे समय से आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आपका मकान बनने का योग बनेगा। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों को शरीर में दीर्घकालीन रोग की शांति के लिए भी पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना पहनने से आपके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक रूप से फायदा होगा। साथ ही साथ में कन्या लगन एवं कन्या राशि वाले जातकों को भी पन्ना लाभ करता है। आपकी राशि से बुध पहले और दसवें कर्म स्थान के स्वामी होते हैं। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो आपको पन्ना पहनना चाहिए, कर्म स्थान के स्वामी है। पन्ना पहनने से आपको पिता का सहयोग मिलेगा। यदि आपके जीवन में, आपके कार्यस्थल पर कोई समस्या है, आपका क्राइटेरिया में कोई प्रॉब्लम है, नौकरी पेशे में आपको दिक्कत है, बॉस की डांट खानी पड़ती है, व्यापार में बार बार आपको दिक्कतें आती हैं, कोई भी काम आप पूरा नहीं कर पाते, तो पन्ना रत्न आपको लाभ करे। दोस्तों, तीसरी राशि होती है यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि से बुध ग्रह नौवें और बारहवें घर के स्वामी होते हैं। आपके भाग्य स्थान के स्वामी होने से पन्ना रत्न आपके भाग्य को चमकाएगा और आपके भाग्य उदय में आ रही समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करेगा। आपके काम यदि अटके हुए हैं, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका ट्रांसफर आपके मन मुताबिक नहीं हो पा रहा है, तो आपको पन्ना रत्न जरूर पहनना चाहिए। बारहवें स्थान के स्वामी होने से पन्ना आपके जीवन में लंबी यात्राओं से धन प्राप्ति का योग भी बनाएगा। दोस्तों, चौथी राशि है मकर राशि। मकर राशि से बुध छठे और नौवें घर के स्वामी होते हैं। नवमेश का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि नौवां स्थान हमारे जन्म कुंडली में भाग्य स्थान होता है। तो पन्ना पहनने से आपका भी भाग्य चमकेगा और आपके भाग्य उदय में आ रही समस्त प्रकार की रुकावटें पन्ना दूर करेगा। साथ ही साथ में शत्रुओं से आपको पन्ना छुटकारा दिलाएगा। बीमारी और कर्जा यदि आपके ऊपर हो गया है, तो पन्ना पहनने से आपको कर्जा दूर होने के भी योग बनेंगे। दोस्तों, पन्ना रत्न इन चार राशि वाले जातकों को तो
लाभ करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ में व्यापारी भाइयों को, स्टूडेंट को एंड जिन लोगों का कारोबार शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिनका व्यापार वाणी से संबंधित है, आप कथावाचक हैं, आप पांडित्य कर्म करते हैं, पूजा पाठ काम का आप काम करते हैं, तो भी पन्ना रत्न आपको लाभ करने वाला है। तो मैं कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में, वो मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।